स्टार उत्सव के पॉपुलर डेली सोप सपना बाबुल का विदाई में चल रहे हैं काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स, जहां रागिनी को अब सच का पता चल चुका है और वो बहुत ज्यादा गिल्ट फील कर रही है। जो कुछ उसने साधना के साथ किया उसके लिए वो रणवीर के साथ कौशल्या निवास में आई है और सबकी आंखों पर से झूठ की पट्टी को खोल रही है कि कैसे साधना ने अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया। वो सबको बताती है कि कैसे साधना ने रागिनी और परिवार को बचाने के लिए आलेख से शादी की और कौशल्या का ऑपरेशन करवाने के लिए क्या क्या किया। रागिनी सबको पछतावे में रोते हुए बताती है कि जिसने मुझे मेरे पति से मिलवाने के लिए इतनी सारी कुर्बानियां दी हूँ, उस पर मैं हमेशा इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाती रही कि उसने मुझे मेरे पति से दूर किया है। वो डांस कॉम्पिटिशन भी जानबूझकर हार गई माँ, आपके लिए इलाज के पैसे साधना लेकर आई थी माँ, भैया नहीं। ये लड़की जिससे आप अपनी पूरी ज़िंदगी नफरत करती रहीं, उसने आपकी नई ज़िंदगी के लिए अपनी शादी तोड़ दी माँ। तब रागिनी वसुंधरा और साधना के बीच हुई डील के बारे में सबको बताती है। एक तरफ अपने लिए जीते जी मौत और आपके लिए एक नई ज़िंदगी, इसने आपको चुना माँ। ये सारी बातें सुनकर कौशल्या वहाँ से सदमे में चली जाती हैं। साधना रोते हुए अभी भी यही कहती है कि उसने कुछ नहीं किया और वो बेहोश हो जाती है। वहीं राजवंश हाउस में आलेख साधना को याद कर रहा है। रणवीर वापस घर जा जाता है और रागिनी साधना के पास ही रुकती है। वसुंधरा आलेख को बात करता देख रणवीर सोचता है कि मुझे कुछ करना होगा जिससे कि भाभी का सच और मॉम का झूठ भैया के सामने आ जाए। कौशल्या निवास में रागिनी साधना अपने बचपन को याद कर रही है। रागिनी सोचती है कि मैं तेरा और जीजा जी का ये बंधन कभी नहीं टूटने दूंगी। मीनवाइल प्रकाश चंद भी बहुत दुखी है और तभी वहाँ विनीत आता है। वो विनीत से कहते हैं कि तुम कल ही इस घर को गिरवी रख कर पैसे वसुंधरा के मुँह पर मारोगे। तब विनीत पूरी बात बताता है, जिस पर विनीत को एक ज़ोरदार पड़ पड़ता है। दूसरी तरफ कौशल्या भी साधना से अपने किए की माफ़ी मांगती है और कहती है कि साधना मुझसे वादा कर कि तू अगले जन्म में मेरी बेटी बनकर जन्म लेगी, अब से तेरी माँ यहाँ है तेरे पास। वहीं विनीत भी प्रकाश चंद से माफ़ी मांगता है कि तभी कौशल्या वहाँ आकर बताती है कि किस तरह से घर को गिरवी रखा गया, बेटे के दुख में आकर इतनी बड़ी गलती कर दी मैंने। प्रकाश चंद कहते हैं कि एक एक रिश्ते की ऐसी बलि चढ़ती देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। जिस पर विनीत कहता है कि मैं अब अपनी गलती सुधार लूंगा बाबूजी, मैं उस मकान को बेच दूंगा। रणवीर रागिनी भी आपस में बात करते हैं कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि भैया की आंखें खुल जाएं। जिसके बाद रागिनी सबको अपना प्लान बताती है कि हमारी साधना को न्याय मिले। अगले दिन रणवीर वहाँ आता है। रागिनी रणवीर से कहती है कि मैंने सबको अपना प्लान समझा दिया है और हमारा पूरा परिवार हमारे साथ है, पर साधना को देखते ही सब बात बदल देते हैं। साधना रणवीर से कहती है कि वो नाश्ता कर ले, जिस पर रणवीर कहता है कि हमें घर चलना चाहिए रागिनी, घर पर बहुत बड़ा फंक्शन है। रागिनी मन ही मन में साधना को गले लगाते हुए कहती है कि साधना आज तेरी जीजी तुझे तेरी सारी खुशियां लौटा देगी। सो गाइज, आप लोग कितने एक्साइटेड हैं आने वाले एपिसोड्स के लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी ऑल पर करिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। विदाई के बाकी वीडियोस आप आई बटन पर देख सकते हैं अगर वो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो। आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ भी मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ डालती रहती हूँ। अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।